बंगाल की रैली रद्द हो गई, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को हर तरफ से जमकर घेरा जा रहा है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन ना मिलने के कारण सीएम योगी की रैली रद्द हो गई है, जिसके लिए अब ममता सरकार सुरक्षा का हवाला दे रही है। योगी से डरी ममता, रैली को मंजूरी लेकिन हेलीकॉप्टर को नहीं। योगी का पश्चिम बंगाल दौरा हुआ रद्द, ममता ने दिया सुरक्षा व्यवस्था का हवाला। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनावी दौरों का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल दौरा था, जिसे ममता सरकार ने मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन सरकार ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। लैंडिंग की परमिशन न मिलने के कारण सीएम योगी का दौरा रद्द हो गया। योगी का दौरा रद्द होने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दक्षिण दिनाजपुर की डीएम के घर के सामने जमकर धरना दिया और ममता सरकार को भी जमकर घेरा। 3 दिन पहले से वहाँ के जिलाधीश से सभा की परमिशन और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन हमने मांगी है। सभा की परमिशन तो दे दी उन्होंने, क्योंकि वो रेलवे की जमीन थी, पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अभी तक परमिशन नहीं दी है। कल से कह रहे हैं हम दे रहे हैं। आज जब हमारे अधिकारी उनके बंगले पर गए तो उन्होंने कहा ऊपर से प्रेशर है, मैं नहीं दे सकता, मैं बात भी नहीं कर सकता। यह शर्मनाक कृत्य ममता जी की सरकार कर रही है। प्रजातंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को उसकी गतिविधियां रोकने का कोई अधिकार नहीं। सीएम का दौरा रद्द होने के बाद उनके सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने सीएम योगी की लोकप्रियता का ही परिणाम बताया। साथ ही ये भी कहा कि ममता बनर्जी योगी से डर गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सभा होने वाली थी उसको उसमें हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। योगी जी की लोकप्रियता से घबरा गई हैं ममता जी और लोकतंत्र का गला घोट रही हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी के कार्यक्रम के रद्द होने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने ममता बनर्जी को जमकर घेरा। देखिए, ममता जी को मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की कल की दोनों रैलियों से बहुत बड़ी हताशा का शिकार हुई होंगी। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई छोटा नेता जा रहा है तब भी, और प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो पूरा पश्चिम बंगाल उमड़ रहा है। तो इससे ममता जी को यह खौफ सता रहा है कि लोकसभा में तो वो हारेंगे ही, विधानसभा के चुनाव होंगे तब भी भाजपा उनका सूपड़ा साफ करेगी जनता के बल पर। आपको बता दें कि सीएम योगी की पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां होनी थी, जिसमें 3 फरवरी को पुरुनिया और बांकुरा में 2 रैलियां होनी थी जो कि रद्द हो गई, और अब 5 फरवरी को दिनाजपुर और रायगंज में रैली होनी है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने में योगी के कार्यक्रम की तारीखें कई बार बदली जा चुकी हैं और हर बार सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का हवाला दिया गया। सीएम योगी की रैली रद्द होने के बाद से पश्चिम बंगाल में जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।